हेलो बच्चों, आज थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि आरा गए हुए थे, उसके बाद आने में थोड़ा सा टाइम लग गया, बहुत थके हुए हैं। चलिए फिर भी वीडियो को बनाते हैं, कंटिन्यू करते हैं क्लास नंबर 46 में। तो हिंदी मीडियम का लेक्चर है हिंदी मीडियम में, और क्लास जो है 46, क्लास 46, ठीक है, हिंदी मीडियम क्लास 46। तो अब यहां पे आज हम बोले थे दो क्वेश्चन करेंगे, एक एनसीईआरटी का और एक केसी वर्मा का। ऐसे तो आज जो हम हिंट दे देंगे उससे आप क्वेश्चन नंबर 15 एनसीईआरटी का 15, 16, 17, 18, 19, 20 पांच छह क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है क्वेश्चन, बहुत लंबा क्वेश्चन लिखा है, हम शॉर्ट में लिख देते हैं। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन जो है वो है, किसी या नीचे दिए गए वर्ड, फोटो भी है ना तो ऐसे लिख देते हैं, नीचे दिए गए वर्ग से विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्या करें, करें। यह है आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है ना। तो ये आपको करना है, और नीचे में एक फोटो दिया हुआ है ऐसा, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि आपको भी समझने में अच्छा लगे। ये कोई वर्ग दिया, ठीक है। अब देखिएगा ये जो वर्ग है इसका भुजा जो दिया हुआ है ए दिया हुआ है, इसका भुजा ए दिया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वर्ग मतलब जिसका सारा भुजा बराबर है, जिसका सारा भुजा जो है ना, ऑल द साइड्स आर इक्वल, सारा भुजा बराबर, तभी तो वर्ग है। चलिए अब वर्ग के केंद्र से इसका भुजा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, हम ए मान लिए थे लेकिन चलिए एनसीईआरटी वाला 10 सेंटीमीटर यहां पे दिया हुआ है। ये भी कितना दिया हुआ है, ये सब 10-5 से मतलब नहीं है, 10-5 से कोई मतलब नहीं है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहां से ऊपर वर्ग के केंद्र से जो ऊपर होगा
वर्ग के केंद्र से जो ऊपर होगा, ऊपर कितना ऊपर, तो सीधा बना लें, कितना ऊपर, पांच सेंटीमीटर ऊपर। ये वर्ग का केंद्र है, ठीक है, वर्ग का केंद्र है। इससे पांच सेंटीमीटर ऊपर, इससे पांच सेंटीमीटर ऊपर एक आवेश रखा गया है Q, ठीक है। तो आपको इस वर्ग से विद्युत फ्लक्स निकालना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ऐसे तो एनसीईआरटी जब भी क्वेश्चन पढ़ी है तो उसमें नीचे में हिंट भी दिया हुआ है, हिंट भी दे दिया है, संकेत भी दिया हुआ है। चलिए चीज को समझते हैं। अब इसको हमको समझाने के लिए एक 3D फोटो बनाना पड़ेगा। बनाएंगे, हड़बड़ी नहीं, आराम से, हम भी थके, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। चलिए समझते हैं। अच्छा, वर्ग है 10 सेंटीमीटर है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊपर क्यू है, ठीक है ना। आपको क्या निकालना है, फ्लक्स। अच्छा एक बात बताइए, तो गॉस का थ्योरम आप कब लगा सकते हैं, गॉस का प्रमेय आप कब लगा सकते हैं, जब बंद पृष्ठ हो, चारों तरफ से बंद हो, चारों तरफ से, एवरीवेयर, फ्रॉम एवरीवेयर इट शुड बी क्लोज्ड। जैसे रूम है, चारों तरफ से बंद है, चारों तरफ से, आप मेरे ऊपर गॉस का प्रमेय लगा सकते हैं। हम बंद पृष्ठ के अंदर है, आप गॉस का प्रमेय मेरे ऊपर लगा सकते हैं क्योंकि हम बंद पृष्ठ के अंदर है। जैसे बहुत बच्चा है, पढ़ रहा होगा, बहुत बच्चा बोला ना रूम में बैठ के मजा नहीं आ रहा, गर्मी लग रहा है, चलिए खेते में पढ़ने चलते हैं। खेत में चल दिया पढ़ने, पूरा हवा हुआ लग रहा है, तो जैसे ही खेत में गया गया ना, तो अब बंद पृष्ठ के अंदर नहीं है, अब खुला पृष्ठ में, ओपन। तो जब ओपन होता है तो आप गॉस का प्रमेय नहीं लगा सकते हैं। गॉस का प्रमेय हम क्या बताएं, गॉस का प्रमेय यह कहता है कि किसी बंद पृष्ठ में मान लेते हैं आवेश Q है या 2Q आवेश है, तो इससे फ्लक्स जो हो जाता है वो हो जाता है, इस बंद पृष्ठ से फ्लक्स जो हो जाए, बोलिए कल भी इस पे अच्छा अच्छा क्वेश्चन का है, 2Q बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। ये तभी काम करेगा जब पृष्ठ बंद हो, लेकिन गॉस का प्रमेय तभी काम करेगा जब पृष्ठ क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए, पृष्ठ जो है बंद होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप खेत में चले गए तो गॉस का प्रमेय नहीं लगेगा क्योंकि आप बंद पृष्ठ में है, ये नहीं, आप पे तो हवा लग रहा, आप ओपन में है। जैसी जो बच्चा रूम में चारों तरफ से पैक बंद कमरा में पढ़ रहा है तो उस पे गॉस का प्रमेय लग सकता है। आप बताइए, बहुत बच्चा बोला सर अच्छा क्वेश्चन है, पूछा क्यों है, क्यों पूछा है विद्युत फ्लक्स, क्यों पूछा है विद्युत फ्लक्स। हम बोले विद्युत फ्लक्स होता क्या है, पहले ही तो समझिए। जैसे मान लेते हैं ये कोई वर्ग है, ठीक है, मान लेते हैं ये कोई वर्ग है। अब इससे ये वर्ग है, इसका सतह है, ये अपना इसका सतह है। अगर यहां पे ये समझिए, ये कौन है, आवेश, चौक नहीं है, आवेश, आवेश है ये, ऐसे रखा हुआ, यही सिचुएशन है फोटो में, यही सिचुएशन। अब देखिए आवेश से, इस आवेश से बहुत सारा विद्युत क्षेत्र निकलता है, आवेश से क्या निकलता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं चारों तरफ ऐसे ऐसे निकलता है ना, पहले भी बता चुके हैं बात। तो जब आप यहां पे आवेश रखिएगा तो इस आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसमें 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 सतह में जाने लगेगा। जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतह में जाता है, किसी सतह में, तो आपको फ्लक्स निकालना है।
अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतह से गुजरने लगे तो आपको क्या करना है, फ्लक्स निकालना है। बोलेगा ही निकालने के लिए, आज ना तो कल बोलेगा ही, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां से जा रहा है, सतह से जा रहा है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतह से जा रहा है। देखिए यहां पे आवेश रखा हुआ है ना, तो इस सतह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं नीचे में ऐसे 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 जाना स्टार्ट होगा। जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब किसी सतह से गुजरने लगे तब फ्लक्स का बात होता है, तब फ्लक्स का बात होता है। समझ में आ रहा है बात? चलिए अच्छा एक बात बताइए, ये आवेश बंद पृष्ठ के अंदर है कि खुला पृष्ठ में? बंद पृष्ठ के अंदर है कि खुला पृष्ठ में? ये देखिए ये आवेश रखा हुआ है, बताइए ये आवेश बंद पृष्ठ में है कि नहीं है? नहीं है बंद पृष्ठ में, कहां से है ये तो खुला में, इसका बाल उड़ रहा है, हवा लग रहा है इसको, आवेश का बाल उड़ रहा है, पूरा हवा लग रहा है इसको। तो जो आवेश है वो बंद पृष्ठ में नहीं है, बंद पृष्ठ में नहीं है। देखिए आवेश जो है बंद पृष्ठ में नहीं है, चारों तरफ से कहां बंद है, इसको गर्मी कहां लग रहा है, जैसे हमको लग रहा है काहे हम बंद पृष्ठ में है, ठीक है, इसको पूरा हवा लग रहा है, ये आवेश जो है ना इसको पूरा हवा लग रहा है, काहे बंद पृष्ठ में नहीं है। तो बताइए आप इस पे गॉस का प्रमेय लगा सकते हैं? गॉस का प्रमेय लगा सकते हैं? ना ना ना, गॉस का प्रमेय कैसे लगा दीजिएगा? जब तक पृष्ठ चारों तरफ से बंद ना हो आप नहीं लगा सकते। तो हम इसको चारों तरफ से बंद करेंगे, तो चारों तरफ से बंद करेंगे, ठीक है, कैसे बंद करेंगे तो देखिएगा, मान लीजिएगा यहां पे आवेश है, तो हम यहां से ऐसे खड़ा कर दिए एक वर्ग, यही वर्ग हम यहां पे खड़ा कर दिए, ऐसे ऐसे खड़ा हो गया, ऐसे उतना ही हम खड़ा कर दिए, कहां, इधर में, ऐसे इधर में, ऐसे इधर में, ऐसे और ऊपर से ऐसे ढक दिए। तो अब आवेश बंद पृष्ठ के अंदर आ गया कि नहीं? तो बताइए अगर आवेश ऐसे है तो इसको ढकने के लिए के गो वर्ग चाहिए? एक इधर चाहिए, एक गो, दू गो ऐसे, तीन गो इधर, चार गो ऐसे, अब पांच गो ऊपर। अब बंद में आप गर्मी से परेशान हो जाएगा, आवेश जो है अब कहां है, बंद पृष्ठ के अंदर। अगर हम चारों तरफ से ऐसे कर दें ऊपर से तो ये बंद हो जाएगा, अब बंद हो जाएगा तो गॉस का प्रमेय लग जाएगा, इसको बंद ही तो करना है, इसको बंद कर दीजिए, काहे काहे कि गॉस का प्रमेय लग जाएगा। तो इसको हम बंद करेंगे कैसे, चारों तरफ से बंद करना है ना, तो चलिए ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं ये आपका, चलिए ये ऐसे था, ये वाला सतह नीचे वाला है, तो इसको बंद करने के लिए हम क्या किए, इधर से वर्ग लगाएं, इधर से एक वर्ग रखें, इधर से एक वर्ग, इधर से एक वर्ग, इधर से एक वर्ग। अब इसके अंदर क्या है, आवेश क्यू है, इसके अंदर क्या है, आवेश क्यू है, आवेश इसके अंदर है। अब बताइए इसके अंदर कौन है, आवेश है। तो आप बताइए गॉस का प्रमेय आप लगाइए कि नहीं लगाइए, लगाइएगा, क्योंकि आवेश बंद पृष्ठ के अंदर है, बंद पृष्ठ के अंदर है। तो ध्यान से सुनिएगा, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है केवल इस वर्ग से विद्युत फ्लक्स क्या होगा, एक के वर्ग से पूछा है, नीचे वाला जो इससे पूछा है। तो हम इससे फ्लक्स निकालने के लिए अभी निकलवे नहीं करेगा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले आवेश को चारों तरफ से ढक देंगे, क्योंकि बंद पृष्ठ में आ जाना चाहिए। तो हम इसको बंद करते हैं, देखिएगा कैसे बंद कर देते हैं, देखिए कैसे ऐसे बंद कर दिया, जब बंद करेंगे चारों तरफ से तो देखिएगा सिचुएशन कैसा बनेगा, लीजिए बंद हो गया चारों तरफ से, क्यों बन गया, अब इधर से इधर से इधर से इधर से ऊपर से ये ढक दिए,
तो ये जो चीज है, ये देखिए ऐसे वाला जो चीज है, ये वाला, ये कौन है? ये वाला है। अब इसको हम बंद किए, तो क्या किए, इधर से रखें, इधर से रखें, टोटल के गो वर्ग रखे? पांच को रखे ना, लेफ्ट में, राइट में, आगे में, पीछे में और ऊपर में। आवेश कहां है? आवेश क्यू यहां पे रह गया। तो अब बताइए, अब घन में के गो वर्ग है? घन में के गो वर्ग है? छह गो है ना। अच्छा अब बताइए, तो गॉस का प्रमेय आप लगा सकते हैं कि नहीं? गॉस का प्रमेय लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं। तो हम लिखेंगे गॉस के प्रमेय से फ्लक्स कितना हो जाएगा? घन। अब ये क्या बन गया? एक घन बन गया है। जब इधर इधर चारों तरफ, पांचों तरफ, छहों तरफ लगा दिए तो क्या बन गया? घन। तो गॉस के प्रमेय से क्या हो जाएगा? इस घन से फ्लक्स क्या हो जाएगा? गॉस के प्रमेय से घन से फ्लक्स, घन से फ्लक्स बताइए तो कितना हो जाएगा गॉस के प्रमेय से? अभी सब वेट नहीं करेंगे, बताइए कितना? फाइ बराबर क्यू बाई एप्साइलन नॉट, है ना, क्यू बाई एप्साइलन नॉट हो जाएगा। समझ गया ना, चारों तरफ से बंद किए तभी ना गॉस का प्रमेय लग सकता है। तो देखिए, जो फ्लक्स निकला है वो घन से निकला है। घन कहिए या घन कहिए, घन में के गो वर्ग होता है? घन में के गो वर्ग होता है? तो घन में एगो ऊपर, एक इधर, एक नीचे, तीन आ एक लेफ्ट में, चार, एक इधर, एक इधर। या फोटो दिखाएं, थ्री डी फोटो है, तो देखिए ये घन है, इसके अंदर आवेश है। तो बताइए तो वर्ग के गो है? एक, दो, तीन, चार, पांच, मेरे तरफ का छह गो होता है, छह गो वर्ग है। तो जो हम फ्लक्स निकाले हैं वो कितना निकाले हैं? इतना। किससे? घन से। अरे घन कहिए या छे गो वर्ग कहिए, घन कहिए, घन में के गो वर्ग है? छे गो वर्ग है। तो हम सीधे कह सकते हैं छे वर्ग से जो फ्लक्स हुआ इतना हो गया, छे वर्ग से। अरे घन से फ्लक्स इतना कहिए या फिर छे गो वर्ग से कहिए, क्योंकि घन तो कुछ है ये नहीं है, घन क्या है? छे गो वर्ग है, छे गो वर्ग है, छे गो वर्ग है। ये छह, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, छह को वर्ग है। तो हम घन कहें या छह वर्ग कहें, छह वर्ग, घन कहें या छह वर्ग कहें, घन कहें या छह वर्ग कहें, तो हम घन मिटा के यहां पे लिख देंगे क्या? छह को वर्ग से फ्लक्स, छह वर्ग से फ्लक्स कितना? क्यू बट्टा में एप्साइलन नॉट। तो छह गो वर्ग से फ्लक्स निकल गया, ठीक है, छह गो वर्ग से। बहुत खुश हो गया, आंसर आ गया, पूरा डांस कर रहा है, आंसर आ गया। लेकिन अभी नहीं आया है, वो एक वर्ग से पूछा है, आप छह गो वर्ग से निकाले। आंसर नहीं है, डांस मत कीजिए, अभी अभी रुकिए, बैठिए, अभी डांस मत कीजिए। क्या छह वर्ग से नहीं पूछा है, वो एक वर्ग से पूछा गया है, एक बार से, इस बार से, नीचे वाला से। आप जो फ्लक्स निकाले वो टोटल से निकाल दिए हैं, है ना, गॉस के प्रमेय से फ्लक्स निकल जाएगा ना इतना। तो ये फ्लक्स किससे है? टोटल वर्ग से है। के गो वर्ग है? छह गो वर्ग है। तो अच्छा एगो मैथ नर्सरी वाला देखे तो अच्छा ये बताइए, तो दस रुपया में छह गो पेन, तो एक रुपया में छह बाई दस, दो रुपया में नहीं, सिंपल हो जाएगा, पंद्रह रुपया में पांच गो पेंसिल, तो एक रुपया में कितना पेंसिल? पांच बाई पंद्रह, पट्टा में फेंक देना है, बट्टा में फेंक देना है। ये सब तो मालूम होगा, ये सब तो मालूम है। चलिए
तो वहीं खेल खेल दीजिए यहां पे। छह वर्ग से फलक्स इतना है तो हम सिर्फ क्या पूछा है, एक वर्ग से फलक्स कितना हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, एक लिख दें, ऐसे नहीं लिखे हैं, अच्छा बहुत अच्छा, गुस्सा जा रहा है कि ना ऐसे मत लिखे सर, मतलब ठीक है बढ़िया से लिख देते हैं। एक वर्ग से फलक्स, एक वर्ग से फलक्स, एक के वर्ग से पूछा है ना, नीचे वाला से, एक वर्ग से फलक्स, ठीक है फलक्स, एक वर्ग से फलक्स फाई बराबर, एक के वर्ग से पूछा है। तो देखिए ध्यान से, यहीं पे तो खेल हो गया। छह वर्ग से कितना फलक्स, तो क्यू बाई एप्साइलन नॉट, गॉस के प्रमेय से। तो एक वर्ग से कितना, छह को फेंक दीजिए बट्टा में, तो क्यू बाई छह एप्साइलन नॉट, क्यू बाई छह एप्साइलन नॉट, क्यू बाई छह एप्साइलन नॉट। तो यहां पे क्लियर आपको दिख रहा है कि छह वर्ग से इतना है तो एक वर्ग से फ्लक्स हो जाएगा कितना, क्यू बट्टा में छह एप्साइलन नॉट। ये सब तो ऐसी नौटंकी किया है, 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर देके नौटंकी किया है, इसका कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए हम शुरुआत में ए मोड़ रहे थे, ए बोल रहे थे, इसका जरूरत नहीं है, छुट्टों का डरवा रहा है। तो आपका आंसर हो जाए क्यू बाई छह एप्साइलन नॉट, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 18। आपको क्वेश्चन देते हैं इसी टाइप का, हमको करके दिखाइएगा, इसी टाइप का कर्क है, हम एक वर्ग से करके दिखा दिए ना। चलिए चैट कम्युनिटी में जहां बच्चा सब चैट करता है, पूछते रहता है कि उनका नंबर मिलेगा, इसका नंबर है, वो फुल पेट किया था, ये फुल पेट किया है, जहां कम्युनिटी में सब चैट करता है, ठीक है ना, बात करता है कि कौन कौन फुल पेट कहले है, है? चलिए तो वहीं पे आंसर का हमको कमेंट दीजिएगा, नीचे दिए गए अब नीचे दिए गए नहीं ऐसे लिख देते हैं, जैसे हम एक वर्ड से निकाले हैं ना, तो आप उसी क्वेश्चन में दो वर्ग से विद्युत फ्लक्स निकालिएगा। हम एक वर्ग से निकाल दिए हैं, हम लिख दे रहे हैं शॉर्टकट में क्वेश्चन, दो वर्ग से, दो वर्ग से, ठीक है, दो वर्ग से विद्युत फ्लक्स ज्ञात करें। हम एक वर्ग से निकाल दिए हैं, आप दो वर्ग से विद्युत फ्लक्स ज्ञात करें, ठीक है। अब ऐसे फोटो बना देते हैं, वही फोटो होगा, बस थोड़ा सा चेंज हो जाए, दो वर्ग बना देते हैं ऐसे, और फोटो तो बनाने का जरूरत नहीं है, बहुत बच्चा समझ गया, अब 3D फोटो में जाना पड़ेगा ना हमको। आपको दो वर्ग से विद्युत फ्लक्स निकालना है, एक वर्ग से हम निकाल दिए, उसी में दो वर्ग से निकालिए, बहुत सिंपल है, बहुत बच्चा इंग्लिश मीडियम में जवाब दे चुका है, ठीक है। चलिए ये है, तो यहां पे आपको एक नीचे वाला एक इधर वाला, दो वर्ग से, यहां पे कहीं आवेश रखा होगा तो आपको दो वर्ग से फ्लक्स निकालना, एक ये दो वर्ग से, किन्हीं क्या लिखा हुआ है, दो वर्ग से विद्युत फ्लक्स ज्ञात करें। छह को वर्ग है ना, तो छहियों से, तो छह को वर्ग से कितना हो जाए, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो हम छह वर्ग से थोड़े पूछे, हम कितना से, दो वर्ग से विद्युत फ्लक्स ज्ञात करें, ठीक है। अब आइए एच सी वर्मा का क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन जो करवा रहे हैं नीट में भी पूछा हुआ है, मेडिकल में, क्वेश्चन एचसी वर्मा का, नंबर याद नहीं है कितना है, शायद 8 है कि 6 है, देख लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम में आता है। तो एचसी वर्मा का क्वेश्चन है, क्या पूछा है, बहुत गर्मी है जी,
चलिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन ये है नीचे दिए गए चित्र में अर्ध गोले से विद्युत फ्लक्स ज्ञात करें, है ना। तो फोटो देखिए ऐसा दिया हुआ है, बहुत अच्छा कटोरी है, अरे जिसमें खीर उड़ खाते ना चम्मच से, दूध दूध पीते हैं ना, तो वही वाला कटोरी है। अब इसको क्या कह सकते हैं, अर्धगोला। अब अर्धगोला है ना, अर्धगोला ऐसे अर्धगोला, यहां पे आवेश Q रखा गया है, यहां पे आवेश क्या रखा गया है, आवेश Q रखा गया है, ठीक है, आवेश Q ऐसे है ना, तो यहां पे आवेश Q रखा गया है। तो आपको निकालना है इस अर्धगोले से फ्लक्स, इस अर्धगोले से फ्लक्स। तो आप सबसे पहले सोचिए, आप गॉस का प्रमेय लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, क्यों, आवेश खुला में है, ये तो बंद पृष्ठ के अंदर नहीं है, बंद पृष्ठ के अंदर नहीं है, तो इसलिए यहां पे आप क्या कीजिएगा, इसको पहले बंद पृष्ठ में रखिए, अभी गॉस का प्रमेय नहीं लगा सकते हैं, काहे आवेश खुला पृष्ठ में, हवा लग रहा है एकदम, बालू इसका उड़ रहा है, तो अभी नहीं, अब क्या करेंगे, इसको बंद पृष्ठ करना पड़ेगा, बंद। तो आप ऐसे कटोरा लिए, ऐसे ढक दिए, कटोरा रखें ऐसे ढक देते हैं ना, एक कटोरा ऐसे और दूसरा ऐसे, तो ढक दिए ऐसे करके, तो आप बोलिए, अब ये आवेश पूरा बंद है, एकदम चारों तरफ से बंद है, अब ये आवेश बंद हो गया, तो बताइए अब इसमें अब तो ये गोला बन गया, अब ये गोला, तो आप बताइए इस गोला में के गो अर्ध गोला हो जाएगा, वो तो बढ़िया बनाते हैं, ठीक है। चलिए अब बंद कर दिया इसे, तो अब बोलिए अब गॉस का प्रमेय लगेगा कि नहीं, गॉस का प्रमेय लगेगा कि नहीं, गॉस का प्रमेय अब लग जाएगा, अब क्योंकि आवेश चारों तरफ से बंद पृष्ठ के अंदर है, तो बताइए अब जो ये बन गया, अब एक अर्धगोला ये आइए दूसरा अर्धगोला है, तो हम कहेंगे ना गॉस के प्रमेय से जो इससे फ्लक्स हो जाएगा दूगो अर्धगोला से, तो हम कैसे लिखेंगे, आप खुद बताइए फ्लक्स अभी कितना होगा, क्यू बट्टा में एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि बंद पृष्ठ में कितना आवेश है, क्यू ही ना है, बंद पृष्ठ में कितना आवेश है, क्यू ही है, तो हम क्या लिखेंगे, चलिए गॉस के प्रमेय से क्या हो जाएगा, दो अर्धगोले से, अब जब बंद ऐसे किए हैं
दुगुना कटोरा है, एगोई वाला, तो दो अर्ध गोले से, एक कटोरा ये, तो दो अर्ध गोले से, दो सेम टू सेम क्वेश्चन है जी, वहीं पीछे ही वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दो अर्ध गोले से विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, गॉस के प्रमेय से क्यू आवेश है तो क्यू बट्टा में एप्साइलन। तो आपको कितना से पूछा है, केवल एक ना, इससे ना पूछा है, तो दो से इतना, तो एक से कितना, वही पेन पेंसिल वाला खेल, तो दो से इतना, तो एक अर्ध गोले से विद्युत फ्लक्स कितना हो जाए, खुद बताइए, दो से जो फ्लक्स है Q बाई एप्साइलन नॉट है, तो एक से कितना, दो को बट्टा में फेंक दीजिए, तो Q बट्टा में 2 एप्साइलन नॉट हो जाएगा, Q बट्टा में 2 एप्साइलन नॉट, क्लियर हो गया, तो कितना हो जाएगा, एक अर्ध गोले से Q बट्टा में 2 एप्साइलन नॉट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक आपको होमवर्क दिए हैं, उसको कर लीजिएगा। तो ये आपका दो क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे गॉस का प्रमेय का प्रयोग कहां कहां करेंगे, तो उसमें आता है 4-5 थ्योरम आता है, 5 थ्योरम टोटल हम करवाएंगे, ठीक है, 4 दिन और लगेगा, उसके बाद चैप्टर आपका एंड स्वाह खत्म, ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन करवा देंगे, इसे तो लगभग सारा करवाइए दिए हैं, लेकिन टेंशन ना हो माइंड में, तो सब आपके सामने करवा देंगे, लाइव आके करवा देंगे, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर है, और एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है, चैट कम्युनिटी में आंसर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, अगला टॉपिक अगले दिन, थैंक यू स्टूडेंट्स।